हेलो, टुडे वी विल स्टार्ट इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास सिक्स, ट्री टॉप. ओके, सो स्टार्स लेसन वन. इट इज़ अ पोएम अबाउट टू स्टार्स, वन हु लिव इन द स्काई एंड वन स्टार हु लिव ऑन द अर्थ. दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. डिड यू नो दैट प्लांट्स एंड ट्रीज कम्युनिकेट टू? क्या आपको पता है प्लांट्स एंड ट्रीज भी कम्युनिकेशन करते हैं? येस, दे सेंड डिस्ट्रेस सिग्नल्स अबाउट ड्रॉट्स एंड डिजीज और इंसेक्ट अटैक्स एंड अदर ट्रीज ऑल्टर देयर बिहेवियर व्हेन दे रिसीव्स देयर मैसेजेस. येस, वर्क इन पेयर एंड डिस्कस एनी टू लिविंग बींग्स एंड देयर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, वी विल डू इट लेटर. लेट वी रीड आवर पोएम फर्स्ट. लेट्स रीड अ पोएम अबाउट अ स्टार इन द स्काई एंड वन दैट लिव ऑन द अर्थ. दो स्टार के बारे में बात की गई है, एक स्टार जो कि स्काई में रहता है और दूसरा स्टार जो कि अर्थ पर है. द स्टार लुक्ड डाउन एट द डीप डार्क सी. द स्टार हु लिव ऑन द अर्थ लुक्ड डाउन, नीचे देखता है एट द डीप डार्क सी एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ, और वो खुद ही सोचता है, इज दैट अ ट्विन टू मी? क्या ये मेरा कोई ट्विन है, मेरा कोई जुड़वा है? शाइनिंग सो ब्राइटली, जो कि इतना ब्राइटली शाइन कर रहा है दियर बिलो, नीचे. एंड ही पॉन्टर्ड, विचार करता है, सोचता है. एंड देन ही डिसाइडेड नो दैट कुडंट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता. फॉर आई एम सो हाई, मैं तो इतना ऊपर हूँ. एंड बिसाइड्स ऑल द स्टार्स लिव अप इन द स्काई, और उसके साथ ही सारे स्टार्स तो स्काई में रहते हैं. एंड द स्टार फिश बिलो, जो स्टार फिश नीचे है, लुक्ड अप द स्काई, स्काई की ओर देखता है. वाई? दैट्स अ ब्रदर ऑफ माइन, क्या ये मेरा कोई भाई है? पिंड अप सो हाई, जो कि इतना ऊपर है. ओके, बट देन ही थॉट, लेकिन फिर वह सोचता है, हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता है? फॉर एवरी वन नोज, क्योंकि सभी जानते हैं, स्टार्स लिव इन द सी, स्टार्स तो सी में रहते हैं. सो बोथ स्टार्स फेल एस्लीप, दोनों स्टार्स सो जाते हैं, ईच इन हिज ब्लू, ब्लू मीन्स स्काई एंड सी. एंड नीदर वन क्वेश्चन, सो नीदर वन न्यू ही, ना ही किसी ने क्वेश्चन किया, ना ही किसी ने जाना. थैंक यू.